नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। चांदूर रेलवे तहसील के दानापुर में हो रहे जातिवाद से परेशान होकर दलितों ने छोड़ा गांव। हथियारों के साथ 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और किसानों की दिवाली ठाकरे सरकार की वजह से होगी काली, डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। अमरावती में जाति अत्याचार के विरोध में 100 दलितों ने गांव छोड़ा। सभी अब पाजर तालाब के पास रह रहे हैं और अपने संपत्ति के सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन पर छोड़ी है। चांदूर रेलवे तहसील के दानापुर में हो रहे जातिवाद अत्याचार के निषेध में दानापुर के 100 दलितों ने शुक्रवार 22 अक्टूबर को गांव छोड़कर निषेध किया। इस दौरान दलित बंधु पाझर तालाब के पास अपना डेरा डालकर रह रहे हैं। उन्होंने गांव में दोबारा न लौटने का ठान लिया है और उनके संपत्ति, उनके घरों की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ऐसा लिखित रूप से दिया है। दानापुर में दलित बंधुओं की खेती है और दूसरी ओर सवर्णों की खेती है, लेकिन सवर्णों ने अपने खेत से जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया, जिस वजह से दलित खेत में ना जा पाने से उनकी रोजी रोटी ही बंद हो गई, जिसके कारण दलितों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जून महिन्यामध्ये आमच्या शेतातनी पेरणी होती, माझ्यासोबत 6 दिवसांनी पण होती, त्या संदर्भातनी पेरणी असल्यामुळे या आरोपी लोकांनी पेरणीच्या संदर्भातनी ट्रॅक्टर अडवला, जाऊ दिला नाही। दुसरी बाब, महिलामध्ये आमच्या कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या ज्या महिला गावातल्या मुली, त्यांच्यावरसुद्धा मोबाईलद्वारे त्यांच्यासोबत सतत कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्यावरही सुद्धा अन्याय अत्याचार केला, या संदर्भातली तक्रार आम्ही ठाण्यात केली। तक्रारीमध्ये 3 आरोपी अटक केले असं मला समजलं। त्यानंतर आम्हाला कापणी केलेली सोयाबीनची गंजी दोन्ही शेतातून काढायची असल्यामुळे हेडंबा वाहन सांगून आम्ही काढण्याकरता गेलो। गेल्यानंतर या लोकांनी, महेश ढगे आणि गजानन सारे यांनी जाऊ दिला नाही, याची तक्रार आम्ही पोलीस स्टेशन तळेगाव विषयी दिली, शहानिशा पोलिसांनी केली नाही। त्यामुळं या लोकांनी सतत होणाऱ्या अत्याचाराच्या संदर्भातनी आमच्या शेतातील सहादेव चांदणेच्या शेतातील राधेच्या वेळी गंजी पुरीच्या पुरी पेटवून दिली आणि 1.5 लाख रुपयाचं नुकसान झालं। नुकसान झाल्यामुळं यांना नुकसान भरपाई मिळावी, होत असलेल्या जाती आणि अत्याचाराच्या संदर्भात आणि शासन आणि प्रशासन योग्य दखल न घेतल्यामुळं आम्ही अत्याचाराला यांच्या कंटाळून या पाझर तलावावर आलेले आहो। आम्हाला न्याय त्वरित मिळण्यात यावा म्हणून आम्ही पाझर तलावावर आलो। आणि मला एक सांगा की गावातले हे 2 लोकच अन्याय करतात तुमच्यावर, की त्यांना इतरही सवर्ण लोक सहभागी आहेत? इतर लोक त्यांना त्याचा पाठिंबा आहेस, अन्याय अत्याचार करतात। उदाहरणार्थ मुन्ना मुंदळा हे गावातील लोकांना भडकून देतो आणि जाती अन्याय अत्याचार झाला पाहिजे याला खतपाणी देतो, पोलीस त्याची ऐकतो, राजकीय दबाव पोलिसावर आहे, त्यामुळे आमची दखल कोणीही घेत नाही, म्हणून आम्ही हे हत्यार पाऊल गाव सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला। सध्या तुमचं घरदार जे आहे ते बेवारस आहे, याची जबाबदारी तुम्ही कोणा? या संदर्भातली जबाबदारी संपूर्ण प्रशासनावर राहील, पोलीस प्रशासनावर राहील, महसूल प्रशासनावर राहील। ठीक आहे। रामटेक पुलिस ने रात 1:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान हथियारों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 1.22 राइफल और एक तलवार समेत गाड़ी जब्त की।
पुलिस अधीक्षक विजय मकर के आदेश पर ऑपरेशन और नाकाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच 23 अक्टूबर की देर रात रामटेक पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच एक फॉर्च्यून गाड़ी रामटेक की ओर आ रही थी, जिसे पुलिस ने रोका। गाड़ी में 6 लोग बैठे थे। उनके पास से पुलिस को तलवार, एक राइफल और 7 जिंदा कारतूस मिले। रामटेक बस स्टैंड पर देर रात एक चार पहिया गाड़ी के व्यक्तित्व पर संदेह होने से उनके गाड़ी का पीछा कर सभी को हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके पास से 1.22 राइफल, एक तलवार, रस्सी, मिर्ची पैकेट समेत गाड़ी जब्त की गई। ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी मुख्तार बागवान ने दी। गिरफ्तार 6 आरोपियों में 2 मध्य प्रदेश, 1 कामठी और 3 कन्हान के हैं। रात्री 23 बजे पासून माननीय SP साहेबांच्या आदेशानुसार ऑल आउट ऑपरेशन आणि नाकाबंदीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। बस स्टॉप या ठिकाणी नाकाबंदी चालू असताना सुमारे 1.5 ते 2 वाजेच्या सुमारास एक फॉर्च्युनर ही संशयितरित्या जाताना आणि त्यामध्ये काही समय संशयित दिसून आले आणि त्यामुळे नाकाबंदीवर हजर असलेले जे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत यांना संशय आल्याने त्यांनी त्या वाहनाचा पाठलाग केला आणि ते वाहन डिटेन करून त्यातील संशयितांना ताब्यात घेतले। संशयितांना ताब्यात घेऊन वाहनाची झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यामध्ये एक रायफल, जिला इम्पोर्टेड दुर्बीन लागलेली होती, त्याचप्रमाणे 7 जिवंत काडतूस आणि तलवार, रस्सी, मिरचीची पूड अशा बऱ्याच गोष्टी या संशयास्पदरित्या मिळून आल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। त्यांच्या विरोधात दरोड्याची तयारी हा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास रामटेक पोलीस करीत आहे। बद माननीय SP साहेब श्री विजय मगर साहेब यांनी पोलीस स्टेशनला भेट देऊन सर्वांचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि त्यांना रोख बक्षीस त्यांना ऑलरेडी देण्यात आलेलं आहे। आश्वासनों की आतिशबाजी कर ठाकरे सरकार द्वारा किसानों को फंसाया जा रहा है, ऐसा आरोप डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगाया है। साथ ही कहा कि इस धोखेबाज सरकार की वजह से किसानों की दिवाली इस बार काली रहेगी। ठाकरे सरकार के किसान विरोधी नीति से राज्य के हजारों किसानों के घर दिवाली के सामने ही अंधेरा रहेगा। किसानों की दिवाली ठाकरे सरकार की वजह से काली रहेगी, क्योंकि सरकार ने किसानों से किए हुए कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। ठाकरे सरकार ने किसानों के सवालों के सभी जवाब देने चाहिए, अन्यथा जनता के साथ किसानों के साथ धोखाधड़ी करने संबंध में माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी मांग भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल बोंडे ने पत्रकार परिषद में की। राज्य में 55 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल का अतिवृष्टि से नुकसान होने की सरकार की प्राथमिक आंकड़ेवारी है। प्रत्यक्ष रूप में 100 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार में 5 साल तक कृषि पंप की बिजली काटी नहीं गई, ट्रांसफार्मर दिए गए। विदर्भ में सबसे ज़्यादा कृषि पंप के कनेक्शन भी चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुए। कितना भी थकीती रहे लेकिन उस वक्त भी MSEDCL घाटे में नहीं गया। ये सरकार किसानों के ऊपर आरोप कर रही है कि उनके थकित बिल के वजह से महावितरण तोटे में जा रही है, यह किसानों का अपमान है, यह किसानों का इंसल्ट है। और सच बात ऐसी है कि किसानों के फसल आने के बाद में किसान पैसे भरेंगे। आज किसान के पास पैसे नहीं है, आज वो भर नहीं सकता, और आज पानी नहीं मिला तो चना नहीं हो सकता, गेहूँ नहीं हो सकता। हमारा कहना इतना ही है कि इस वक्त उसकी बिजली मत काटो, फसल आने के बाद में उभरेगा। इस साल अधिक बारिश में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, कोकण और विदर्भ, इसमें पूरी सोयाबीन, कपास और तुअर की फसल बर्बाद हो गई। संतरा की फल गिरने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली दुर्दैव से इस सरकार की ओर से अभी तक किसानों को कोई भी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं। दिवाली ऐसा सन है कि सब दुख भूल के काश्तकार चाहता है कि अपने बच्चों को कपड़े सिलाए, आतिशबाजी करे, मीठा खाना खिलाए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि किसानों के जेब में पैसा नहीं
और ऐसे भीषण परिस्थिति में सरकार की कोई मदद नहीं, और इसके वजह से इस सरकार दिवाली के पहले किसानों को मदद नहीं करती है, तो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इनकी झूठ बोलने की वजह से यह परिस्थिति किसानों के ऊपर आई है। इसलिए हम मुख्यमंत्री निवास जो नागपुर में है रामगिरी, वहाँ पे काली दिवाली, शोकमग्न दिवाली, जो दिवाली हमारे जिंदगी में हमने मनानी रही चाहिए, वो वहाँ पे मनाने जा रहे हैं। किसानों को हम भरोसा दे रहे कि आपकी दिवाली नहीं होती है तो हम भी दिवाली नहीं मनाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विनती करता हूँ कि उनके मातोश्री पे, मंत्रालय पे, वर्षा बंगले पे या रामगिरी पे कृपया रोशनाई मत कीजिए, क्योंकि किसान ग्रामीण इलाका इस वक्त दिवाली नहीं मना सकता, क्योंकि नैसर्गिक आसमानी संकट के कारण पूरा बर्बाद हो चुका है। आपने भी उसको मदद नहीं की है, मुआवजा नहीं दिया है, इसलिए इस साल की दिवाली यह मुख्य टैंकर मुक्त नागपुर शहर की संकल्पना को पूरा करने के लिए अमृत योजना के तहत नागपुर शहर में पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे दक्षिण नागपुर क्षेत्र में पानी की टंकियों के निर्माण से भविष्य में पूरे क्षेत्र में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी, ये विश्वास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से अमृत योजना अंतर्गत शहर के सक्करदरा 2, बीड़ीपेट आशीर्वाद नगर के इंदिरा गांधी सभागृह मैदान, उमरेड रोड बड़ा ताजबाग परिसर, बंजारी नगर 2, सक्करदरा जलकुंभ के पास बनाए जाने वाले जलकुंभ का संयुक्त भूमि पूजन समारोह शुक्रवार को इंदिरा गांधी सभागृह मैदान आशीर्वाद नगर बीड़ीपेट में सम्पन्न हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों तीनों जलकुंभों के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि शहर विकास के कार्यों में नागरिकों का सहभाग बहुत जरूरी है, अब नागरिकों की भी पानी की समस्या हल होगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रिश्वत देने वाला संघ का वो व्यक्ति कौन है, इस पर सवाल उठाया है। इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस और मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल में मंत्रालय में वसूली के लिए संघ के लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित एक व्यक्ति और अंबानी के फाइल को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत देने का प्रस्ताव था, ऐसा बड़ा खुलासा मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया है। मलिक को करोड़ों रुपए रिश्वत देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कौन व्यक्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य में देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में मंत्रालय में वसूली के लिए संघ के लोगों की नियुक्ति हुई थी, इसकी जांच महाविकास आघाड़ी सरकार ने करनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस और मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की। सत्यपाल मलिक यांनी अतिशय गंभीर मुद्दा समोर आणला। गेले 5 वर्ष आम्ही सातत्याने हा प्रश्न उपस्थित करत होतो, तो असा की संघाची लोक सरकारमध्ये पेरून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार जो आहे त्यांच्या मार्फत करण्यात आलेला आहे। सत्यपाल मलिक मेघालयचे राज्यपाल यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की संघाचा एक व्यक्ती एका मोठ्या व्यापाऱ्यासोबत त्यांच्याकडे येऊन 300 कोटीची लाच एक फाईल क्लिअर करण्यासाठी त्यांना ऑफर केली होती, पण त्यांनी ती धुडकावली। आमचं पण हेच म्हणणं आहे, महाराष्ट्रामध्ये जे फडणवीस सरकार होतं भारतीय जनता पार्टीचं, त्यावेळी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर संघाची लोक मंत्रालयामध्ये होती, सरकारमध्ये पेरली गेलेली होती आणि मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे, विशेषतः शेवटल्या 6-7 महिन्यामध्ये तो पराकोटीला पोहोचला होता। त्यामुळे आमची महाविकास आघाडी सरकारला, मुख्यमंत्री साहेब उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती आहे की या सर्व गोष्टींची चौकशी करावी आणि जे दोषी असतील त्यांना कायद्यापुढे उभं करून सजा द्यावी, ही काँग्रेसची मागणी आहे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है,
पर पंप भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना और महंगाई से परेशान होकर जिंदगी खत्म ना करने की अपील अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने की। यशोमती ठाकुर ने आत्महत्याग्रस्त युवती के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी को सांत्वना दी। कोरोना महामारी की वजह से कईयों के रोजगार छीन गए, जिस वजह से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बढ़ते महंगाई से भी जनता परेशान है। ऐसे हालात में हार ना मानकर हालातों से लड़ना चाहिए और आत्महत्या करना हमेशा गलत है, इसीलिए जिंदगी से लड़ने का आह्वान अमरावती जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने किया। अमरावती जिले के तिवसा के छिदवाड़ी में आत्महत्याग्रस्त युवती के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। 17 वर्षीय सेजल जाधव ने माता पिता पर कर्ज होने से आत्महत्या की थी। अतिशय वाईट घडलं जे काय घडलं ते एखाद्या विद्यार्थ्याने असा विचार करावा आणि स्वतःचा जीव संपावा, हे तर खरोखर धक्का देण्यासारख्या ह्या सगळ्या घटना आहेत। या जाधव कुटुंबियांमध्ये 3 लेकरं यांना आहेत आणि एका लेकरानं आत्महत्या केली। माझ्यातर्फे मी त्यांना खरं आता काय शब्दात आपण किती समजावू शकतो, पण त्या दोन्ही जी पोरं आहेत त्यांचं पालकत्व त्या ठिकाणी मी आणि आम्ही मिळून घेतलेलं आहे। त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांचा आम्ही करू आणि एक जी मुलगी आहे तिचं जानवी म्हणून त्या सेजलची लहान बहीण तिचं लग्नाचाही खर्च आम्ही करू। पण विद्यार्थ्यांमध्ये या सगळ्या घटना घडतायत हे समाजासाठी चांगलं नाही आहे आणि आत्महत्या करण्याचं धाडस कसे करतात, का करतात, एवढं डिप्रेशन कुठेतरी कोविडमुळे हे सगळं घडतंय का, हाही विषय विचार मनामध्ये येतो। पण जे काय घडलं ते अतिशय वेदनादायक आणि दुःखदायक घडलं। खरं युवकांनी हिम्मत ठेवली पाहिजे आणि सामोरे गेलं पाहिजे। राहिला विषय शासनाच्या मदतीचा, तर जी काय मदत शासनाची त्याच्यामध्ये मिळू शकते ती सगळीच आम्ही मिळवून देऊ। पण विद्यार्थी व्यवस्थित राहिली पाहिजे असा विचार मनामध्ये येतो आहे आणि त्यांच्यासाठी आपल्याला काही समुपदेशन वगैरे जर करता आलं तर त्याचा विचार आम्ही नक्कीच करू। ह्या मागच्या काळामध्ये महागाई केवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे हे आपल्याला सगळ्यांना दिसत आहे, म्हणजे सहन होत नाही आहे महागाई, एवढी ती अंगावर येते। साधं गॅस पण आपण मागू शकत नाही, जाऊ द्या गॅस, पण तेल बाकीच्या गोष्टी पण सगळ्या किती महागतायत। तर या सगळ्या गोष्टी या सगळ्या आत्महत्यांना प्रवृत्त नक्कीच करतायत। पण विद्यार्थ्यांनी पॉझिटिव्ह माइंडसेटमध्ये राहिलं पाहिजे आणि ह्या महागाईला कसं आपल्याला तोड द्यावं लागेल, सगळं धक्कादायक होत आहे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये हे महागाईमुळे किंवा कोविडमुळे होत असेल तर हे वेदनादायकच आहे सगळं। 2200 क्विंटल धान चोरी प्रकरण में 56 लाख के माल की अफरातफरी की गई। सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में सहायक सचिव पर रामटेक पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये घटना रामटेक तहसील के भंडार बोड़ी बरडे पार की है। आदिवासी मंडल अंतर्गत आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था भंडार बोड़ी अंतर्गत धान खरीदी केंद्र बरडे पार में धान 2200 क्विंटल कम पाए जाने से वहां के सहायक सचिव पर रामटेक पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का बड़ा मामला उजागर हुआ है। इस मामले में शिकायतकर्ता पंजाब सकरू चौहान रामटेक के सहायक निबंधक, रामटेक के कार्यालय में सहकारी अधिकारी है। उन्हें सेवा सहकारी संस्था प्रशासक पद का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा कर रामटेक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। आरोपी ने शिव पार्वती वेयर हाउस महादुला में 5500 नग धान के कट्टे 2200 क्विंटल कुल कीमत 56,49,600 रुपए माल साठ घाट कर सरकार के साथ धोखाधड़ी की। साथ ही खुद को बचाने के लिए इस मामले को धान चोरी का मामला बताया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। त्यांनी धान खरेदी केंद्र महादुला
येथे 5,500 धानाचे कट्टे जे आहेत त्याचे प्रति किलो आहे 40 किलो प्रमाणे, असे एकूण 2200 क्विंटल धान, त्याची किंमत आहे 56,49,600। हा एवढा धान कोणीतरी फसवणूक करण्याच्या हिशोबाने किंवा फौजदारी पात्र न्यायभंग करण्याच्या हिशोबाने शासनाची फसवणूक केलेली आहे, तरी त्या आधारावर सदर डिपार्टमेंटकडे FIR दाखल करण्याबाबत पत्र दिलेलं आहे, प्लस पुरावे पण दोरलेले आहेत। तर या अन्वये 420, 409 प्रमाणे प्राथमिक कलम 420, 409 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे। पुढील तपास प्रगतीपथावर अन्वयातून दृष्टीत नाही कन्फर्म केल्यानंतर आरोपीची माहिती कळवण्यात आली। बुलढाणा में उपवन संरक्षक कार्यालय में हो रहे अवैध कामकाज के विरोध में आजाद हिंद ने अनशन शुरू किया है। 48 घंटे में योग्य कार्रवाई नहीं की गई तो रास्ता रोको आंदोलन का इशारा अनशनकर्ताओं ने दिया है। उपवन संरक्षक अक्षय गजभिये के फर्जी कामकाज के विरोध में बुलढाणा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आजाद हिंद संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे है। आजाद हिंद युवक किसान संगठन के संगठक इमरान शाह और आजाद हिंद महिला संगठन वरवट बकाल शाखा अध्यक्ष लीला दामोदर ने प्राथमिक चरण में आमरण अनशन शुरू किया है। यदि दोषी पर 48 घंटे में योग्य कार्रवाई नहीं की गई तो रास्ता रोको आंदोलन करने की चेतावनी अनशनकर्ताओं ने दी है। माझा नाव शहा, मी जळगाव जामोद वन परिक्षेत्र अंतर्गत 4 वर्ष हंगामी रोजंदारी वन मजूर होतो। माझे प्रमुख मागणे हे आहे की वन मजूर असताना रोपवाटिकेत कामगार म्हणून दोन्हीकडे माझी हजेरी दाखवून गैरकायदेशीररित्या काढलेली पगाराची चौकशी करण्याबाबत आणि सन 2017 ते 2020 पर्यंत वन मजूर म्हणून कार्यरत असताना आज पावतो 86,544 रुपये माझ्या बँक खात्यात हस्तांतर करून उर्वरित रकमेची चौकशी करून रक्कम मिळण्याबाबत आणि नियमबाह्य कामावरून कमी केल्याबाबत चौकशी करून त्वरित कामावर रुजू करण्याबाबत आणि उपवन संरक्षक बुलढाणा आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी जळगाव जामोद यांच्या निवेदनात नमूद गैरकारभाराची चौकशी करून यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याबाबत। मी लीलाबाई रामदास दामोदर, राहणार वरवड बकाल, तिथं राहते। माझे घरचे तिथं ड्युटी करत होते खिरोळा, तिथं वारले, ड्युटीवरच वारले 22-12। त्यांना त्याच्या जागेवर तिथं मी क्वार्टरला राहते, लईन बिल सरच भरतो, मला अजून काहीच यायचं भेटलं नाही आहे म्हणून मी उपोषणाला बसली इथं। लॉजिस्टिक हब बनाने की नागपूर में पूरी क्षमता होने की बात केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कही। वे होटल सेंटर पॉइंट में JNPT व राष्ट्रीय महामार्ग रसद व्यवस्थापन के बीच हुए सामंजस्य करार के दौरान बोल रहे थे। नागपुर देश में सड़क, रेलवे और हवाई यातायात की वजह से जुड़ा है, इसीलिए नागपुर शहर लॉजिस्टिक राजधानी बनने की पूर्ण क्षमता रखता है। वर्धा जिले के सिंधी रेलवे में ड्राईपोर्ट अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट निर्मिति से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रकल्प के माध्यम से कंटेनर निर्मिति के साथ लॉजिस्टिक व्यवसाय बढ़कर यातायात का खर्च कम होने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया। होटल सेंटर पॉइंट में JNPT व राष्ट्रीय महामार्ग रसद व्यवस्थापन के बीच सामंजस्य करार किया गया, इस दौरान वे बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी, सांसद रामदास तड़स, वर्धा जिला परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, JNPT के अध्यक्ष संजय सेठी, NHLML के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गौड़ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कम कीमत में US डॉलर देने का झांसा देकर एक गारमेंट व्यापारी से 90,000 की ठगी की गई है। इमामवाड़ा पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी के ईरानी गैंग के सदस्य होने की संभावना है। कम कीमत में US डॉलर देने का झांसा देकर एक गारमेंट व्यापारी से 90,000 की ठगी की गई है। इमामवाड़ा पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ईरानी गैंग के सदस्य होने की संभावना है। बंजारी नगर निवासी 68 वर्षीय रमेश भोले 9 अक्टूबर को एक 30-35 साल की महिला कपड़े खरीदने के बहाने भोले की दुकान पर आई। $9,000 की कीमत करीब 6,75,000 रुपए है। भोले ने महिला से खरीदने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद महिला ने पुनः भोले को 21 अक्टूबर को फोन कर डॉलर खरीदने को कहा। वह 90,000 रुपए में बेचने के भोले तैयार हो गए। 21 अक्टूबर की सुबह महिला ने भोले को अशोक चौक के दुर्गा मंदिर के पास बुलाया। वहां महिला 2 लोगों के साथ पहुंची थी। आरोपियों ने जेब से रुमाल निकाल झटका। भोले के अनुसार रुमाल निकालते ही उन्हें कुछ नहीं सूझा। आरोपियों ने एक थैली देते हुए उसमें US डॉलर होना बताया। 90,000 रुपए लेकर आरोपियों ने भोले को थैली सौंप दी। घर पहुंचने पर भोले को थैली में डॉलर की बजाय नोटों के आकार के रद्दी कागज रखे होने का पता चला। उन्होंने इमामवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 2019 को अक्टूबर में इसी घटनास्थल पर एक व्यापारी से 5 लाख की ठगी की गई थी। उसे भी डॉलर बेचने का झांसा देकर शिकार बनाया गया था। उसमें भी एक महिला तथा 2 पुरुष थे। पुलिस CCTV के आधार पर महिला तथा उसके साथियों की खोज कर रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।